चलिए आज मूंगफली की चटनी बनाते हैं। इसके लिए 1/4 का मूंगफली दान लेंगे और तवा को गरम करेंगे और डालेंगे और इसको भूनेंगे। आँच को तेज रखेंगे, बस हल्का सुनहरा हो जाए तब तक भूनेंगे इसको। भई हल्का हल्का दिखने लगा सुनहरा टाइप का, अभी गैस बंद कर देंगे यहाँ पे इसको और इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर इसके छिलके ऐसे हाथ से दबा दबा कर निकाल देंगे सारा। ये देखिए ऐसे ही सारा कर लेंगे। थोड़ा बहुत रह भी जाएगा तो कोई बात नहीं, इसको मिक्सर जार में डाल देंगे। ये खाने के साथ बहुत अच्छा लगेगा, दाल चावल के साथ खाएंगे बहुत अच्छा लगेगा। लहसुन डाल देंगे 3-4 कली, हरी मिर्ची डाल देंगे जितना आपको तीखा पसंद हो 3-4, हरी धनिया डाल देंगे थोड़ा सा और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। ये सब डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप थोड़ा कम ज़्यादा भी करके डाल सकते हैं जितने में अच्छे से पिस जाए। ये देखिए मिक्सर में डाल के मैंने पीस लिया। ये देखिए बनकर चटनी तैयार है। आप ऐसे भी खा सकते हैं और अगर आप चाहिए तो तड़का दे सकते हैं, राइस से करी पत्ता है तो करी पत्ता भी डाल सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।